उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ रहे हैं। राहत की बात यह भी है कि कोरोना पॉजिटिव के बाद ठीक होकर घर जाने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अभी तक लखनऊ में 296 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं और सबसे राहत की बात यह है तकरीबन 196 मरीज ठीक होकर अपने घर भी वापस जा चुके हैं और अब केवल मात्र 60 मरीज बचे हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव है, जिनका इलाज किया जा रहा है। ऐसे में लखनऊ स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ प्रशासन के लिए बड़ी बात है कि जिस तरीके से संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सफलता दिखती नज़र आ रही है। लखनऊ रेड जोन है, इस वजह से तकरीबन 11 हॉटस्पॉट सेंटर को चुना गया है। अभी कल 2 हॉटस्पॉट को वापस कर लिया गया है, यानी अब मात्र 11 हॉटस्पॉट लखनऊ में रह गए हैं, जिसके बाद उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और वहां पर किसी भी आवाजाही की मनाही कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ पुलिस और साथ ही साथ नगर निगम उन सभी जगह को सील करने के बाद सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया कर रहा है। लखनऊ प्रशासन ने एक ऐसी सुविधा भी की है जिसकी वजह से सील किए गए हुए एरिए के अंदर से कितने लोग पॉजिटिव हैं और क्या क्या एक्टिविटी हो रही है उसके लिए CCTV की मदद से और कैमरों की मदद से यह भी देखा जा रहा है कि क्या एक्टिविटी अंदर चल रही है। क्योंकि संक्रमण क्षेत्र में जाने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी को जाने दिया जा रहा है, ऐसे हालत में ड्रोन कैमरे और CCTV की मदद से वहाँ पर पूरी नज़र रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम की टीम ऐसी जगह पर अपने ट्रक और टैंकर भेजकर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से कर रहा है। लखनऊ प्रशासन ने अभी हाल ही में जो 5 मरीज सामने निकल कर आए हैं वो कैसरबाग सब्जी मंडी के सामने निकल कर आए हैं। हालांकि इससे पहले भी एक सब्जी वाले को कोरोना पॉजिटिव हुआ था, जिसके बाद पूरे एरिया को सील कर दिया गया था। अब लखनऊ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया कर पूरे मामले को संक्रमण से दूर करने के लिए प्रयासरत है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, UP तक।